हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल, दिस इज योर सत्यम तिवारी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे ऑल अबाउट WBJEE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो गाइस, बात करें WBJEE एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है जिसमें वेस्ट बंगाल के बहुत सारे सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे जैसे जाधवपुर यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका वेस्ट बंगाल में, जिसमें दोस्तों आपको एडमिशन WBJEE से मिलता है। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको WBJEE के अकॉर्डिंग इस वीडियो में पता चलेगा। तो गाइस, बात करें क्यों WBJEE आपको देना चाहिए और किस लिए स्टूडेंट इसकी तरफ जा रहे हैं। जैसे आपका JEE एग्जाम होता है तो उसमें बहुत सारा हाई कंपटीशन होने के बाद आपके लिए एक ये भी बढ़िया अल्टरनेटिव हो सकता है आपके लिए एग्जामिनेशन का। सो बहुत ही अच्छा बेहतरीन एग्जाम है, यहाँ पे कई करोड़ों का पैकेज लगता है। देखो, अगर बात करें दोस्तों किस लिए यहाँ पे स्टूडेंट इसको प्रेफर कर रहे हैं आजकल, तो इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका जो है अभी आप देख सकते हैं कि एडिटोरियल है, जाधवपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक्सेप्ट ₹1.8 करोड़ पैकेजेस चूज फेसबुक और सुकर, इतने हाईएस्ट हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे मिलते हैं। तो इसलिए गाइस बात करते हैं, तो इस बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या और भी कोर्सेज। तो बात करें गाइस WBJEE के, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, सारे इन्फॉर्मेशन WBJEE के रिगार्डिंग A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये जाधवपुर यूनिवर्सिटी जिसमें आपको WBJEE के थ्रू एग्जाम एडमिशन मिलता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है, करिकुलम क्या है, सारी चीज़ें अभी आगे आपको बताएंगे। सो गाइस, बात करें जैसे जैसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, अगर इसके बारे में बात करें गाइस, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश है। अगर इसके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कुछ बात की जाए तो सो गाइस, करीब यहाँ का हाईएस्ट पैकेज ही या करोड़ों में जाता है। सो गाइस, बात करें तो मैक्सिमम, तो ब्रांच नेम आपको प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, यहाँ पे जाधवपुर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट स्टैटिक्स 2023 की, तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग 92% आप देख सकते हैं, जितने भी करीब 95, 80, 90 से ऊपर सभी का प्लेसमेंट रेट है आप देख सकते हैं सभी ब्रांचेस में, और ये सभी आप देख सकते हैं। सो गाइस, बात करें यहाँ पे पैकेजेस की, तो यहाँ पे प्लेसमेंट स्टैटिक देखो करीब 90% के एबव ही सभी का प्लेसमेंट रेशियो है, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ही बेस्ट ये कॉलेज है, तो आपके लिए बेस्ट कितना है। उसके बाद गाइस बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं, तो मीडियन पैकेज की बात की जाती है, 7 केमिकल इंजीनियरिंग जो कि सबसे लोएस्ट ब्रांच होती है उसमें आपका करीब 7.5 लाख का पैकेज है, सिविल इंजीनियरिंग 6.5 लाख, कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे 70.98 यानी करीब 18 लाख एवरेज पैकेज, यानी कि एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे 18 लाख दिखने को मिल जाता है पर एनम। और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे करीब किसी ईयर आपका करोड़ों में भी चला जाता है, लेकिन 2023 की बात करी जाए तो 46-60 यही सब आपका गया है, तो आप देख सकते हैं जो भी। सो बात करेंगे गाइज यहाँ पे WBJEE एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद गाइज आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो WBJEE, सो इस वीडियो में बात करेंगे गाइज आपका सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न या कॉलेजेस। सो गाइज बात करें सबसे पहले पैटर्न्स की, तो ये इसका जो है ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है, ये ऑफलाइन सॉरी OMR बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है आपका एग्जाम। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश और बंगाली दो लैंग्वेज में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एग्ज़ाम होता है और इसका सेंटर आपको वेस्ट बंगाल में ही मिलता है, और इंग्लिश और बंगाली दो लैंग्वेज में यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आज बात करें यहाँ पे 85% सीटें जो है रिजर्व होता है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए, बाकी 50% सीटें जो होता है वो आउटसाइड अदर स्टेट वालों के लिए होता है। सो बात करें गाइज नेक्स्ट की एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी आपका 45% इन PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको 45% होना चाहिए, और इंग्लिश में आप पास होने चाहिए यानी कि 30% होना चाहिए। और यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि 85% फॉर होम स्टेट और आउटसाइडर वालों के लिए आउटसाइड 15% सीटें रिजर्व होती है। नंबर ऑफ कैंडिडेट गाइज बात करें, जैसा कि दोस्तों हर साल यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता है, ये कॉलेज ही अपने आप में इतना बेस्ट है। और यहाँ पे जैसे कि वीडियो बहुत सारे यूट्यूब बनते रहते हैं, तो इसका बहुत स्टूडेंट इसको जानने भी लगे हैं, तो इसलिए आपका बात करें तो आज के 4 साल पहले, तो करीब यहां से 4 साल पहले की बात की जाए, तो 4 गुना यहां पे स्टूडेंट की संख्या बढ़ गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या इसको देने वाले बढ़ गया है। तो पिछले साल लास्ट ईयर अगर बात करें तो 1,40,000 कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था, तो एग्ज़ाम जितने दिए हों लेकिन 1,40,000 आपके कैंडिडेट रजिस्टर किए हैं, ये आपके लिए एक आंकड़ा है
कि इसमें कंपटीशन कितना है। अगर जेई के अकॉर्डिंग बात करें, जेई में करीब आपका 12 लाख स्टूडेंट दिए थे, तो जेई के अकॉर्डिंग करीब आपका 10 ही% है, तो इस आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हालांकि यहाँ का पेपर लेवल भी जेई मेन से लो होता है। सेट मैट्रिक्स बात करें गाइस, यहाँ पे टोटल, तो टोटल यहाँ पे 34,891 सीट्स हैं, यानी कि इतने सीट्स आपका है 34,800। ये पूरे वेस्ट बंगाल में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के अलावा भी, तो उस सारे मिलाकर आपका 34,34,891 है। लेकिन गाइज आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी की सीट की बात की जाए तो आपका 1,150 है। ये इतने सीट जादवपुर यूनिवर्सिटी में है, जिसमें CSE की सीट 86 सीट है। यानी कि अगर आपको, अगर CSE, अगर उस कॉलेज में आपको बेस्ट जो ब्रांच है वो चाहिए, तो उसमें आपको 86 सीट है, तो उसके लिए और भी कंपटीशन है। इसके लिए दोस्तों, अगर आपको 1110 मार्क्स है, सॉरी 1 अगर आप आउटसाइड, आप अगर WBJ वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल नहीं है आपका, उसका आउटसाइडर आउट अदर स्टेट के है, तो आपके लिए 110, अगर आप CSE के लिए चाहते हैं तो 110 आपको मार्क्स लाना पड़ जा सकता है, अगर आपको टॉप के ब्रांच से CSE के लिए जाना चाहते हैं। फीस की बात करें गाइज, यहाँ पे 9,600 ये फीस है आपका 4 ईयर, 4 साल का यहाँ पे फीस है, यानी कि 4 साल ये हॉस्टल में सभी का है, तो 4 साल में यहाँ पे सबसे सस्ता मुझे लग रहा है पूरे इंडिया में यही कॉलेज है बीटेक के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट का अगर देखा जाए तो 4 साल में गाइज यहाँ पे आपको केवल 9,600 ये करना पड़ता है, उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप भी आ जाता है, यानी कि आपको घुमा फिरा को कुछ नहीं करना पड़ता। सो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें गाइस, पेपर 1, 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 होता है मैथ्स का, यानी कि मैथ्स का यहाँ पर वेटेज ज़्यादा रहता है, 100 मार्क्स का, केवल आपका 2 घंटे का, 11 से लेकर 1 PM तक होता है पेपर 1 मैथ्स का, जिसमें 100 मार्क्स का आता रहे है। और यहाँ पे जो फिजिक्स का क्वेश्चन है गाइज, पेपर 2, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसमें 50+50, 50+50, 100 मार्क्स का ये भी आता है, लेकिन इसमें 50-50% कम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आता है। ये आपका 2 PM से लेकर 4 PM तक होता है, 2 आवर्स का ये भी, 2 घंटे का पेपर है, तो 2 आवर का आपका ये भी पेपर है। तो टोटल गाइज आपका यहाँ पे ये सभी है। इसके अलावा गाइज अगर बात करें तो आपका, अगर इसका जो है, सो ये गाइज कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपका WBJ के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर बात करें कुछ, तो आपका जो है, जैसे इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिसंबर में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समय से पहले पता नहीं चल पाता और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, तो रजिस्ट्रेशन इसका इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म गाइज एक ही बार आता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इसका एक ही बार आता है, वो आपका दिसंबर के मंथ में आता है, करीब आपका दिसंबर के मंथ में आता है। और यहाँ पे 500 जनरल कैटेगरी के लिए ये रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस है, और इसका एग्ज़ाम आपका अप्रैल को होता है, अप्रैल में होता है, जेई मेन को डेट को देखते हुए यहाँ पे 1 अप्रैल को एग्जाम, एक सॉरी अप्रैल के मंथ में जेई जेई मेन से आपका क्लैश ना हो, उसी हिसाब से इसका डेट आता है, अप्रैल में हो एग्ज़ाम हो जाता है, और यहाँ पे इसका दिसंबर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है। सो गाइज ये रहा WBJ रिगार्डिंग, जितने भी करियर ऑप्शन से बेस्ट एग्जामिनेशन है उसका आपका इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको मिलता रहेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसी तरह बेस्ट कंटेंट आपको समय पर यहाँ पे इस चैनल पर मिलने वाला है, और जो भी करियर जो कौन पासपोर्ट कर सकते हैं गाइज। और इससे पहले आपका बेस्ट टॉप 10 इंजीनियरिंग इंटेंशन का वीडियो आपका लाया गया है, जिस सेपरेटली आपको वीडियो आएगा इस चैनल पर। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई और क्वेरी और कौन पासपोर्ट करिए। थैंक यू।